हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जो हम डिस्कस करेंगे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2020 का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीबीए और बीकॉम का जो पेपर आता है वो एक ही पेपर के अंदर इन तीनों कोर्सेज के लिए सिलेक्शन होता है। आप अपनी प्रायोरिटी किसको रखते हैं, आप बीकॉम में जाना चाहते हैं, बीबीए में जाना चाहते हैं या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री देते हैं। फिर आपके मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आज मैं अपने सब्जेक्ट से अलग मैथ्स जैसा मैं करता हूँ आपको पता है सबको, तो रीजनिंग के कुछ करेंगे जिसमें लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, वर्बल रीजनिंग होती है जिसमें आपके पास नॉर्मली इंग्लिश या दूसरी उसमें उससे जो हमारे पास आते हैं, और दूसरी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके कुछ क्वेश्चन आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन हैं बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो मजे से आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ आप सब बच्चों से, अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, प्लीज जितने भी एंट्रेंस वाले बच्चे हैं इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के पेपर में ऐसे रखे जाते हैं जिन पे आप सोचे, जिनमें आप उलझे, उससे आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल है। आपसे ये पूछ ले कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बता देंगे। एक आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि आप 5 मिनट 10 मिनट उसमें उलझे हुए, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपने आंसर दिया है और जो 10 मिनट तक उलझे हुए दोनों के मार्क्स है, तो उसको भी उतनी वेटेज है, उसको भी उतनी। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे उलझता है तो प्लीज एंट्रेंस के एग्जाम्स में उससे उलझना नहीं है, उसे छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना। जब सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाए तब आप उनको, एक दो चार जो क्वेश्चन उलझने वाले थे तब आप उन्हें करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दें। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छोड़ भी दें, 90 कर दें, तो ये जो आपके आईयूजी वाले हैं 90% पे तो आपका 100% श्योर श्योर सिलेक्शन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो 45%, 60%, 70%, 80% तक पे सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप 20 भी छोड़ देते हैं तो भी काम चल जाएगा। हाँ, बस ये है कि फिर आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। तो खैर, वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास पेपर है, पहले तो मैं आपको पेपर दिखाऊं। ये हमारे पास पेपर है जामिया मिलिया इस्लामिया का 2020 का, ठीक है? 2020-21 ये आया था बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स जामिया मिलिया इस्लामिया। और इसमें कुछ रीजनिंग के, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। चार टॉपिक हमारे पास हैं, तो आज हम जो हैं ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे आप सब बच्चों के साथ। बहुत इजी क्वेश्चंस थे जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ था और बहुत ही मजेदार, इजी, बहुत आराम से आप कर सकते थे। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये सीरीज चल रही है क्या आगे क्या आएगा, ए बाई टू, बी बाई फोर, सी बाई सिक्स, डी बाई एट। तो वो क्या रहा है, ऊपर आपके पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं और नीचे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, तो ए बी सी डी कंटिन्यूअस है, तो ई आएगा सर, एफ आएगा सर। तो ई एफ यहाँ भी है, ई एफ यहाँ भी है, ई एफ यहाँ भी है और यहाँ डी है, तो इसे तो छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सीधी सी बात 10 आएगा और 12 आएगा, तो ई बाई 10 एंड एफ बाई 12, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी, दैट्स इट। इतनी सी बात थी जो हमें समझनी थी, समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, असल में यही होता है कि कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये करें या ये करें। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप एग्जाम से पहले कर रहे हैं तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर डालिए कि आपको पैटर्न समझ में आए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आए कि हाँ ये तो मेरी नजरों से गुजरा हुआ है, इसको मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप मुस्कुराए क्वेश्चन को देखकर, ये तो हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन है, सोचिए पहले 2-4 सेकंड
फाइंड द मिसिंग सीरीज में लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 7.5 है, ये मेरे पास 12.5 है और ये मेरे पास 22.5 है और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं 42.5, 42, 44, 43.5। जब इस तरह की सीरीज चल रही होती है तो आपको ये देखना होता है कि कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, सेम सिक्वेंस में आ रहा है, स्क्वायर में ऐड हो रहा है, क्यूब में ऐड हो रहा है, कभी कभी स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस वन, क्यूब प्लस वन, क्यूब माइनस वन, कुछ इस तरह से रहता है। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ शायद 2.5 ऐड हुआ है, तो 5 प्लस 2.5 7.5, यहाँ प्लस 5 ऐड हुआ है तो 7.5 प्लस 12.5, यहाँ प्लस 10 हुआ है तो 12.5 20। तो अगर अब आप इनका सीक्वेंस देखें, 2.5 2 जा 5, 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20, तो 20 प्लस कर दीजिए तो 22.5 प्लस 20 42.5, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक 42.5 ये हमारा ए ऑप्शन है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है छोटे छोटे से एकदम सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं तो इनको करते चले जाइए। बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपके हम तो कोशिश करेंगे हम आपको सारे समझा दें, लेकिन बीच में कोई क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाए आपको समझ तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये हमारे पास क्वेश्चन है आपसे, क्या कह रहा है, डी फोर है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, एफ सिक्स है, एच एट है, जे टेन है, जो भी ऊपर वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम चल रहा है, फिर आपसे कह रहा है यहाँ बताओ और यहाँ बताओ। तो अगर आप देखेंगे डी आया ई नहीं आया, एफ आया जी नहीं आया, एच आया आई नहीं आया, जे आया तो के नहीं आया, तो कौन आएगा, एल आएगा, एल के साथ एम नहीं आएगा तो कौन आएगा, एन आएगा, तो एल और एन आएगा। तो अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से एल और एन एक में ही है, नंबर्स की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इसमें के एम दिया हुआ है, इसमें एल एन दिया हुआ है, इसमें के एम दिया हुआ है, तो एक कभी कभी ऑप्शन से भी आपको समझ में आ जाता है एल एन है। चलो अगर देखना है तो ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये 12 आएगा और ये 14 आएगा, 12 by L 12 N 14, यही हमारा ऑप्शन था। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि आधा आंसर देती शायद हमारा ऑप्शन सही हो रहा हो, तो ये भी आपको जहन में रखना है। रीजनिंग वाला पार्ट सबसे मजेदार होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता, और ये मतलब आपका अपना एटीट्यूड जो डेवलप हुआ होगा क्वेश्चन को, किसी चीज को देख के जो आप रीजन लगाते हो, तो वो अपना एक आपने जो डेवलप किया होगा अपने लाइफ में उससे काम चलता है। तो ज्यादा इस पे बस इतना कर सकते हो आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपकी नजरों के सामने एंट्रेंस की प्रिपरेशन के टाइम में गुजर जाए। देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन है जैसा मैं अगर आपसे बात करूं, जब मैं देख रहा था पेपर को, तो ये क्वेश्चन है जो नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके सामने से गुजरा है या नहीं गुजरा, आपको किसी टीचर ने बताया या नहीं बताया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं कहता हूं अवॉइड करके निकल जाइए आगे। हम तो बता देते हैं आपको कि ये क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड, ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लें तो अच्छा है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको सीधा सा कहूँ कि सपोज करो अगर हमारे पास ये हमारे पास है, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास है 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है, और यहाँ भी ले लेते हैं 1, यहाँ भी ले लेते हैं 2, यहाँ भी ले लेते हैं 3, ये मैं सबके लिए आपको बता दूँ, ठीक है, जनरल कर देते हैं इसको, इसको तो करेंगे जनरल कर देते हैं, तकिया लिया ये जाके। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक तो आप ये सोच सकते हो कि ये पूरा एक स्क्वायर है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, कंप्लीट एक स्क्वायर, अगर हम पूरे को ले लें 4 by 4 को, तो हमारा एक स्क्वायर बनेगा। अच्छा फिर हम क्या करें, अगर ध्यान से देख लीजिए आप, हम ये करें कि भाई हम 2 को ले लें, इन दो को ले लें,
इन दो को ले लीजिए, इन दो को ले लीजिए, ये मेरे पास, ठीक है सर। तो इसी तरह से आप इन दो को भी ले सकते हैं, इन दो को भी ले सकते हैं, इन दो को भी ले सकते हैं, और इसी तरह से आप यहाँ ये दो को ले सकते हैं, यहाँ ये दो को ले सकते हैं, और यहाँ ये दो को ले सकते हैं। तो आप दो को भी ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं अगर आपसे कहूँ, एक सेकेंड, मैंने आपसे कहा चारों को ले लीजिए तो इतने बनेंगे। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि थ्री को ले लीजिए, थ्री का मतलब क्या है, आप तीन को लेंगे तो ये तीन वाला एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। आप अगर लेंगे तो ये तीन वाला एक स्क्वायर बनेगा, अगर आप तीन को लेंगे तो ये नीचे वाला एक स्क्वायर बनेगा, और अगर आप तीन को लेंगे तो ये नीचे वाला स्क्वायर बनेगा। तो 3 बाय 3 लेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से अगर आप 2 बाय 2 लेंगे, 2 बाय 2 का मतलब ये है कि अगर आपने ये लिया, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए तो फिर ये एक स्क्वायर हो गया, इसको हटा दीजिए तो फिर ये एक स्क्वायर हो गया, ये दो दो को लेने से बन गए, इसको हटा दीजिए तो ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए तो एक स्क्वायर ये हो गया, तो ये दो दो के, तो दो दो वाले कितने बनते हैं वो देख लीजिए। 2 बाई 2 के जो बनेंगे वो बनेंगे आपके पास, ये मेरे पास बन जाएंगे, एक 9 बने। और अगर हम 1 बाई 1 के ले लें, यानी कि सिर्फ 1 बाई 1, 1 बाई 1 का मतलब तो सिर्फ ये कि आपने इसको लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर ये होते हैं 16, ये मेरे पास। तो अगर आप ये, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की, इसमें क्या होता है, इसको देखिए 1 का स्क्वायर, इसको देखिए 2 का स्क्वायर, इसको देखिए 3 का स्क्वायर, इसको देखिए 4 का स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दीजिए तो 16, 25 और 25 4 29, 30, 30 स्क्वायर्स बने। तो होता क्या है असल में, अगर आपके पास ये जो एक तरह से मैं कह रहा हूँ तो ग्रिड कह रहे हैं, ये जो बॉक्स बने हुए, तो अगर आपके पास n/n ग्रिड है, ध्यान देखिए, तो टोटल स्क्वायर्स जो होते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह क्वेश्चन आप क्योंकि समझना पड़ रहा है, निकल जाइए, बाद में सोचेंगे, 4-5 क्वेश्चन अगर ऐसे आपके पेपर में मिलते हैं तो कोई बात नहीं, 95 क्वेश्चंस कर दिए। तो टोटल स्क्वायर्स क्या होंगे, अगर एन बाई एन का ग्रिड है तो 1 के स्क्वायर से, जैसे 1 के स्क्वायर से लेके, क्योंकि 4 बाई 4 का था तो 4 तक जाएगा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ तक होगा। अब क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास चेस बोर्ड होता है उसमें 64 खाने होते हैं, तो वो 8 बाई 8 का ग्रिड होता है, आप सब बच्चों को पता है। ऐसे क्या मतलब, ऐसे भी 8 होते हैं और ऐसे भी 8 होते हैं, ऐसे, ये शायद आपको मालूम है। तो ये अगर 8 है तो ये 8 तक जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनको आप ऐड कर सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, और ये 204 होगा। दूसरी चीज आप सब बच्चे देख लीजिए, अगर आपके पास 1 2n का स्क्वायर था, तो जिन बच्चों का थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है तो उन्हें पता होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर डायरेक्ट भी हो सकता है, n(n+1)(2n+1)/6, ठीक है, तीन फॉर्मूले हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो उनके फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ एन हमारा 8 है, तो 8 प्लस 1 9 है, और 2 8 16 प्लस 1 17 है,
बाई सिक्स, तो टू फोर जा टू थ्री जा थ्री थ्री जा तो 12 × 17, ये भी 204 होता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, आपको उसकी नॉलेज है तो आप आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे रीजन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सीखना समझना और उसके बाद, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। खैर एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 2020 जामिया पेपर से, उम्मीद ये है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं एंट्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, मैथ से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। अब जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ईजी सीधा सीधा सा, तो आपसे कह रहा है इसको बताइए। तो अगर आप क्वेश्चन को ही देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा है सीधा सीधा सा, ये है के, ठीक है, के 6V है, फिर एम 12U है, फिर ओ 18T है, और आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है। तो अगर यहाँ आप थोड़ा सा भी देखेंगे, के एल छोड़ दीजिए एम, एन छोड़ दीजिए ओ, मैं कह रहा हूं पी छोड़ दीजिए तो क्यू आ गया, फिर आपके पास 6 है 12 है 18 है तो 20 आ जाएगा, क्यू 20। अब हमारे पास क्या है, सॉरी हमने 6 12 18 20 पता नहीं जहन में कहां से आ गया, एक्चुअली क्या है 6 2 जा 12 6 अरे 6 2 जा 12 6 3 जा 18 तो 6 4 जा 24 तो क्यू 24। अब अगर आप देखेंगे क्यू 24 एक में ही है तो ये ऐसा है क्यू 24 है, तो ये ऑप्शन है, मैंने आपसे कहा ना आधे से भी काम चल जाता है। लेकिन फिर देख लेते हैं, ये बी है, ये यू है, ये टी है, तो आपके पास क्या है टी यू वी, अगर आप इधर से देखेंगे टी यू वी तो टी से पहले कौन आता है एस, यहाँ एस आ जाएगा तो क्यू 24S, तो क्यू 24S हमारा डी ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपसे कहा था किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे कह रहे फाइंड द मिसिंग सीरीज, तो ये टू है, सीरीज अगर आप कर रहे होंगे आपने किया होगा तो उसमें इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। इससे मैं हमेशा कहता हूँ एक तरह के क्वेश्चन मत किया कीजिए, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं आप तैयार क्वेश्चन करिए वैरायटीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस किस तरह की सीरीज हमारे पास हो सकती है। जैसे ये सीरीज है तो अगर आप यहाँ देखेंगे टू है फिर थ्री है फिर एट है फिर 63 है, तो क्या रिलेशन है, तो अगर आप चेक करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर माइनस 1 63 होता है, तो नेक्स्ट जो आपके पास आएगा 63 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब 63 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 जा 9 18 6 3 जा 18 36 1 37 तो 9 6 8 9 3 माइनस 1 In each number, if the first digit of number is subtracted by 1 and third digit is subtracted by 3 and then both the digits are interchanged with each other, what will be the largest number? तो आपके पास जितने भी numbers हैं, उनमें आपको क्या करना है? First वाले में आपको 1 minus करना है और last वाले में 3 minus करना है। तो अगर इसमें 1 minus करोगे तो 2 आएगा, last वाले में 3 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है? और फिर आप कह रहे हो बोथ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो अगर फर्स्ट और लास्ट को चेंज कर दोगे तो नंबर हो जाएगा 672। अच्छा अगर यहाँ हम इसको 3 करेंगे 6, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, इसको उल्टा करेंगे 563, 5 में से 1 माइनस करेंगे 3 को वहीं रहने देंगे, 6 में से 3 करेंगे 433, इसको उल्टा करेंगे 334,
थ्री में से वन करेंगे टू, फाइव, फाइव में से थ्री करेंगे टू, रिवर्स करेंगे 252। अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनमें से आप सबसे बड़ा नंबर बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 672 किससे आया है? 379 से। ये हमारे पास क्वेश्चन था सीधा सीधा सा। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, अगर आप इस सीरीज को समझ सकते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार तो अच्छी बात है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम किस तरह से बना पा रहे हैं ये आपको देखना है। बहुत सिंपल सीरीज है ये, आपके पास दिया हुआ है, हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेते हैं। सीरीज इज गिवन, वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो आपके पास क्या है? ए जेड डब्ल्यू बी दिया हुआ है, सी एक्स यू एफ दिया हुआ है, जी टी क्यू जे दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ए जेड डब्ल्यू डी सी एक्स यू एफ यहाँ मिसिंग है और जी टी क्यू जे ये मेरे पास। तो अगर आप देखेंगे ये ए है, ये सी है, यहाँ मिसिंग है, ये जी है। तो मिसिंग कौन हुआ सर? बी मिस हो गया यहाँ। सी डी को मिस करूं तो यहाँ ई आ जाएगा, एफ को मिस करूं तो यहाँ जी आ जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये हमारी पहली जो लेटर है वो आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ई से स्टार्ट होगा वो। अच्छा अब दूसरा देखें हम, जेड वाई मिस करा तो एक्स आया, एक्स से पहले क्या होता है सर? डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो W को मिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, U V W, तो W को मिस करेंगे तो V आएगा, तो यहां हमारे पास आ जाएगा V। ठीक है, अगर हमने U, ठीक है, U को मिस किया तो T आएगा। देखो ये सीरीज भी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आती है थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज क्या है? W U, ठीक है, और यहाँ क्या है? Q। तो आपका क्या चल रहा है? इधर चल रहा है U V W, तो W U V, V को मिस कर रहे हो आप तो U आ रहा है। U किससे होता है? S T U, तो T को मिस कर रहे हो तो S आ रहा है। ठीक है, Q R को मिस कर रहे हो तो Q आ रहा है। तो ये हमारे पास ऐसा क्या, तो E V S, तो E V S अगर आप देखेंगे हमारे पास पहले ही ऑप्शन में है, हमें लास्ट वाला एक्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, डी ई को मिस करिए एफ, जी को मिस करिए एच, आई को मिस करिए जे। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या है? ई बी एस एच। ओके जी, कुछ तो ये सीरीज थी जिनको आप देख सकते थे। अब ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन पे, बहुत ही सिंपल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सिर्फ लिख दीजिए तो आंसर आ जाए। ये हमारे पास है सर, आपसे क्या कह रहा है? इज पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑन द वॉल, अनिल सेज टू नीतीश। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पूरी लैंग्वेज पढ़ने से अच्छा है करना शुरू कर दीजिए। अनिल किसको कह रहा है? नीतीश को कह रहा है, नीतीश को कह रहा है। क्या कह रहा है? द पर्सन इन द फोटोग्राफ, ये आपके पास फोटोग्राफ है और इसमें ये आपका पर्सन है, ठीक है, इज द सन। तो ये जो है सन, सन ऑफ किसका सन? माई मदर सिस्टर, मदर सिस्टर, ये जो हैं, ये मदर सिस्टर हैं और ये इनका सन। तो मदर सिस्टर हमारी आंटी हो गई, खाला हो गई, है ना, और खाला का ये बेटा हो गया। एंड इज योर ब्रदर, और नितेश का ब्रदर है। तो इसका मतलब ये खाला का बेटा हो गया और ये खाला के बेटे का भाई हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए? कजन्स हो गए। ठीक है, ये अनिल के कजन्स हो गए। तो आपके पास क्या है? इस नेफ्यू, नो, भतीजा भांजा नहीं है, ब्रदर इन लॉ भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं है, अनिल एंड नितेश आर कजन्स।
ये मेरे पास। अच्छा जी, ओके 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 ओके। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे। पेपर को सॉल्व करने से थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है, तो अच्छा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अगर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो थोड़ा सा एक लेवल का कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। असल में क्या होता है, रीजनिंग इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स भी मिलेंगी, मैट लेवल, कैट लेवल, एमबीए लेवल, ठीक है, और वही रीजनिंग जो आपको 12th लेवल की मिलेगी, यूजी के लिए। तो अब ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस लेवल तक मुझे अपने आप का ब्रेक लगाना है, ये ध्यान रखना है प्लीज। तो आपको वो किससे आइडिया मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से, या कहाँ से मिलेगा, जो कोचिंग्स वहाँ पे कराती हैं जिससे सिलेक्शन हो रहा है उनसे। अदरवाइज होता क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में इतना वास्ट लोग बाग पढ़ाते रहते हैं, उतना लोग बाग पढ़ते रहते हैं बच्चे और सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको लिमिट्स ध्यान रखनी होती है कि आपके क्या लिमिट है। तो फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स यूज इन द गिवन वर्ड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर, अब जरा यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ आ रहा है फ्रैक्चर, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे, बस मैं इतना ही देख रहा हूँ, एफ है मेरे पास, यहाँ भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे आर मेरे पास दो है और जबकि आर ऊपर एक ही है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप मैनर की बात करेंगे तो एन मेरे पास दो है, मेरे पास नहीं है ऊपर, यहाँ मैटर पी मेरे पास एक ही है यहाँ, तो यहाँ दो है नहीं है, तो हमारे पास लास्ट बचता है फेस। तो हमारे पास क्या है सर, एफ भी है, ए भी है, सी भी है और ई भी है, तो आंसर जो है मेरा वो फेस है। अब ये देखिए क्या मजाक के लिए थी, मतलब इस क्वेश्चन के साथ, इससे इजी क्वेश्चंस आपके लिए नहीं बनाया जा सकता, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो आंसर है। इफ जे इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, ठीक है, जे जो है ग्रैंड चाइल्ड, तो एम इज रिलेटेड टू जे, तो एम जो है वो ग्रांड। अब यहाँ ध्यान रखना है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, क्योंकि हमें एम का या जे का हमारे पास से कहना चाहिए कि जेंडर नहीं मालूम, तो ग्रांड मादर भी, और मदर जो है वो भी ऑप्शन है, ग्रांड फादर भी ऑप्शन है, तो कुछ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये तो एग्जामिनर को देखना होता है कि भाई हम एक ही ऑप्शन वाली बात कर रहे हैं, ट्रू आंसर्स वाली बात नहीं कर रहे, तो दोनों पे आंसर्स मार्क्स मिलने चाहिए। लास्ट हमारे पास जो रीजनिंग की बात थी, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है सर जी। आपसे कह रहा है आर इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया कि आर को एन से डिनोट करना है, सी को टी से डिनोट करना है, आई को यू से डिनोट करना है, ओ को आई से डिनोट करना है, ई को आर से डिनोट करना है, पी को ओ से डिनोट करना है, वी को पी से डिनोट करना है, देन हाउ विल द वर्ड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, खुद ही बता दिया उसने। तो अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास पहला है वी, और वी को हमें लिखना है पी, तो वी की जगह आएगा सर पी, ई की जगह आएगा सर आर, ठीक है, आर की जगह आएगा सर एन, आई आई की जगह सर आएगा यू, एफ कहीं दिया नहीं है तो सर एफ को एफ ही लिख लेते हैं, आई की जगह आ रहा है सर यू, सी की जगह सर आ रहा है टी, ए को कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, टी को लिखा है सर ओ, आई को लिखा है सर यू, ओ को लिखा है आई, एन का पता नहीं, तो ये होगा पी आर एन यू एफ यू टी ए ओ यू आई एन,
तो पी आर एन यू एफ यू टी ए ओ यू आई एन, तो सर ये हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, पी आर एन यू एफ, ठीक है, ऊपर ये ई से आ गया तो ये गड़बड़ कर दिया उसने, फिर आ गया यू, फिर आ गया टी, फिर आ गया ए, फिर हो गया ओ, फिर यू, फिर आई, फिर। तो सर ये क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग के, उम्मीद ये है कि आपको समझ में आया होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चले, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, आप फिर मिठाई खिलाएं। ऑल द बेस्ट, जितने भी हमारे रीजनिंग के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, कितने भी एग्जाम्स होते हों, जरूरी नहीं मैं जामिया की ही बात करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरे एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस थे। तो ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।